हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्टर सॉरी हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी। मैं हूं मिस्टर जीरो और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ बॉलीवुड की न्यूज एंड आई होप कि इसके बाद से मैं कंटिन्यू कर पाऊं। आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही जो है मुझे कंटिन्यू करने पे मजबूर कर सकता है। मैं कभी कभी जो है कंटिन्यू नहीं कर पाता उस चैनल को क्योंकि दूसरे चैनल पे थोड़ा ज्यादा फोकस हो गया हूं, जिसमें ओटीटी या फिर जो भी फिल्म थिएटर पे रिलीज होती है उसको रिव्यू करने बैठ जाता हूं। तो चलो यार सीधा इस वीडियो पे आते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। देखो यार, गंगूबाई कब कहां रिलीज होने वाली है यह आपको पता चलेगा। भुज द मूवी का रिलीज को लेकर के अजय देवगन क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ कल के दिन में यानी नेक्स्ट डे 21 अप्रैल को आपको क्या अनाउंसमेंट अजय देवगन की तरफ से सुनने को मिलने वाला है। इसके अलावा फिलहाल सॉन्ग जो गाना था ना, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, भाई वो गाने का जो है सीक्वेंस आने वाला है। अक्षय कुमार बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं फिलहाल 2, वो कब आने वाला है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। यहाँ पे आपको बॉलीवुड के रिलेटेड, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड बहुत सारी न्यूज मिलने वाली है। तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं, अगर आपने हलचल मूवी देखी है, धीरे धीरे होले होले, यही कुछ ऐसे ही गाना था, मैं गाना भूल गया हूँ। वैसे ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी और अक्षय खन्ना मीन्स हिलेरियस थे। और मैं अक्षय खन्ना की उस कॉमिक टाइमिंग को यार आज भी मिस करता हूँ कि यार आज जो है ना उनको कॉमेडी के लिए लेकर के आओ, जैसे कि उन्होंने हंगामा में किया था, हलचल में किया था, इसके अलावा मेरे बाप पहले आप, ये सारी मूवीज के अंदर में जो उनकी कॉमिक टाइमिंग थी ना बॉस, अमेजिंग थी। और हलचल मूवी प्रियदर्शन की तरफ से एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडी मूवी थी। इसके अंदर में रोमांस था, फैमिली ड्रामा था और साथ ही साथ आपको धमाकेदार कॉमेडी देखने को मिली थी, जिसमें अर्शद वारसी सपोर्टिंग रोल में थे जब वो सर्किट बन करके नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया था कि उनके पास कॉमिक टाइमिंग की कोई कमी नहीं है। मींस जस्ट इमेजिन, गोलमाल वाला माधव, मम्मी के घर जाना है, ये मतलब अमेजिंग था यार। सो चलो यार पुरानी यादों से बाहर आते हैं और उसी यादों को फिर से रिक्रिएट करने का और उसको फिर से एक मैजिकल कंटेंट बना करके आपके सामने पेश करने का काम शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, हलचल 2 लेकर के आने वाले हैं प्रियदर्शन दोबारा से और उसकी स्टोरी के ऊपर में काम करना शुरू कर चुके हैं। तो उसमें एग्जैक्टली स्टारकास्ट कौन होने वाले हैं अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन स्टोरी के ऊपर में काम करना शुरू कर चुके हैं। हाउ एक्साइटिंग अबाउट दिस कॉन्टेंट, प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ से। द खिलाड़ी कुमार ने ट्विटर पे जो है एक पोस्टर रिलीज किया जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस पोस्टर में आपको लिखा हुआ दिखेगा कि भाई इंतजार बहुत किया आप लोगों ने और इस डेयरी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम फिलहाल 2 लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। दसमीन की विद इन अ मंथ आपको फिलहाल 2 का बहुत ही धमाकेदार एक गाना सुनने को मिलने वाला है और यह गाना जो है YouTube पे फिर से वही दीवानगी ला पाएगी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो पहले गाने का जो मजा था ना बॉस, उस मजे को और उस फील को जो है ना दोबारा रिक्रिएट करना है, मींस थोड़ा रिस्की सा लग रहा है क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि बाप बाप होता है, लेकिन फिर भी लेट्स फिंगर क्रॉस कि देखो क्या होता है और इस गाने को जब रिलीज किया जाएगा तो आपको कितना ज्यादा एंटरटेन कर पाएगा और इस गाने से आप कितना रिलेट कर पाओगे। बाय द वे, आप इस न्यूज को लेकर के कितने एक्साइटेड हो, लाइक का बटन दबा करके जरूर बताना। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ में। अगली न्यूज है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया द मूवी। इस मूवी को लेकर क्या रहे हैं अजय देवगन, इसमें लीड रोल में अजय देवगन ही देखे जाने वाले हैं और इसकी जो कहानी है बहुत ही ज्यादा यूनिक है और ये एक तरह की पैट्रियोटिक मूवी है जिसके अंदर में बहुत ही डिफरेंट कहानी आपको देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको गूज बम दे जाए। सबसे पहली बात कि इसके अंदर में जो भी आपको सीन दिखाए जाने वाले हैं वो 95% VFX पे होने वाला है, यानी कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं होगी, सभी के सभी VFX के ऊपर में बना करके आपको दिखाया जाने वाला है। ये देखने वाली बात होगी कि ये आपकी आंखों को कितना ज्यादा ट्रीट फील करवाती है और कितना ज्यादा सुकून दे करके जाती है। सो इसके VFX के ऊपर में तो खर्चा किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो कि यार पानी की तरह बहाया जा रहा है। आई होप कि जितने खर्चे और जितनी ज्यादा इस पे काम और मेहनत दिखाई जा रही है उतनी ही ज्यादा एंटरटेनिंग और उतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हो ये मूवी। वैसे ये मूवी आपको देखने को मिलने वाला है डिज्नी हॉटस्टार प्लस पे और अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है डिज्नी पे तो यार जाओ जाकर के सब्सक्रिप्शन कर लो,
क्योंकि ये मूवी के वजह से खास सब्सक्रिप्शन करना तो बनता है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अजय देवगन की ही एक और न्यूज है और उस न्यूज में जो है आपको सबसे पहली चीज ये बता दूं कि वो एक तरह का डेब्यू बता जा रहा है, डिजिटल डेब्यू फॉर अजय देवगन। वैसे इससे पहले जो है ये मूवी तो रिलीज हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी डिजिटल डेब्यू का मतलब हो रहा है कि भाई ओटीटी पे ओरिजिनल आने वाला है और वो एक वेब सीरीज होने वाली है। वेब सीरीज जो है आज से 2 या 3 साल पहले एक मूवी आई थी लूटर, जिसके अंदर में दिखाया गया था बहुत बड़ा क्राइम थ्रिल एंड सस्पेंस वाला एक कंटेंट, जिसको देखने के बाद हर किसी ने पसंद किया था। और अभी उसी का अडॉप्शन, मतलब एक तरह का ऑफिशियल अडॉप्शन करने के बाद में एक तरह का रीमेक बना करके लाने वाले हैं अजय देवगन। और ये वेब सीरीज जो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। लेकिन मेरी मानो तो बीबीसी का जो थीम था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो भी उसमें दिखाया गया था, उस लेवल को अगर सही तरह से मैच नहीं किया गया तो भाई बहुत बुरा होने वाला है। आपको याद होगा सुष्मिता सेन की एक वेब सीरीज थी जिसका नाम था आर्या, और वो भी एक रीमेक थी। और ट्रस्ट मी, वो रीमेक बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई किया था और हमें देखने में मजा आ गया था। आपको क्या लगता है कि ये जो लूथर है, जो कि बीबीसी ओरिजिनल है, उसका एक सही रीमेक, एक हूबहू रीमेक लेकर के आ सकते हैं अजय देवगन? वैसे आपको जो 21 तारीख को जो सुनने को मिलने वाला है कि भाई अजय देवगन एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो अनाउंसमेंट यही है कि लूथर का अडॉप्शन है। अब बस उसका नाम जानना बाकी रहेगा कि वो कब आने वाला है, कब तक आने वाला है, टीजर ट्रेलर कब आएगा। और वैसे ही ये चीज सबको पता चल चुका है कि ये डिज्नी हॉटस्टार पे ही ये भी आने वाला है। नेक्स्ट न्यूज जो है ये होश उड़ा देने वाला न्यूज है कि संजय लीला बंसाली की मूवी फर्स्ट टाइम ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज हो सकती है। इसी बारे में अभी बातचीत चल रही है। आपको भी पता और सभी को पता है कि भाई कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है वो बहुत ही भयानक होता जा रहा है। वैसे भी बड़ी बड़ी मूवीज की अगर बात कर ही रहा हूँ तो भाई सूर्यवंशी के बारे में भी सुना गया है कि वो ओटीटी रिलीज के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और वो ओटीटी पे अपनी राइट्स बेचने के लिए बस कदम बढ़ा ही चुकी है और हमें बहुत जल्द वो मूवी भी ओटीटी पे देखने को मिल सकती है। तो ये बात करते हैं आलिया भट्ट स्टारर संजय लीला बंसाली के डायरेक्शन पे रिलीज होने वाली थी गंगूबाई काठियावाड़, जो जुलाई के महीने में इस साल थिएटर में रिलीज होने वाली थी। पर अब बात चल रही है कि भाई ये ओटीटी पे रिलीज कर देना चाहिए और आने वाला समय फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ खास नहीं दिख रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो बड़े स्क्रीन का मजा है क्या वो हमें छोटे स्क्रीन पे भी मिलता है? देखो सिर्फ एक चीज हो सकती है कि जो सब्सक्रिप्शन का पैसा दे करके हम ओटीटी पे कंटेंट देख रहे होते हैं, उस पैसे से हम सिर्फ एक या दो ही मूवी देख पाते थिएटर में जाकर के, वो भी ओनली फॉर वन टाइम। लेकिन यहाँ पे ओटीटी पे बस एक ही खास बात है कि आप इस मूवी को कई बार और कई लोगों के साथ और एक ही सब्सक्रिप्शन पे पूरे महीने में जितने भी कंटेंट आते हैं उसको आप देख सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो यार फिल्म का असली मजा 70mm सिल्वर स्क्रीन पे ही आता है। लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी अगर ओटीटी पे रिलीज हो रही है तो आपकी क्या रिएक्शन है, प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर द बॉलीवुड हॉटशॉट न्यूज। व्हाट डू यू थिंक, प्लीज डू कमेंट। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, लाइक का बटन जरूर दबाना, ताकि मुझे यार मोटिवेशन मिलता रहे और मैं फटाफट सा वीडियो लेकर के आता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आई विल गिव यू द ऑल द हॉटशॉट न्यूज डेली बेसिस, बट प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन ओवर एंड हास्ता ला विस्ता।